This program is brought to you in association with Dentonic. From the house of Dentonic. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह नौ। क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक है? एक नए वीक का दोबारा आगाज है और होपफुली वीक भी अच्छा गुजरेगा। हमेशा मेरी तो यही ख्वाहिश होती है कि जब सुबह में आपसे मिलते हैं और दो घंटे की मुलाकात के इख्तिताम के बाद भी मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि होपफुली सब सही रहेगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे दिल उदास भी हो जाता है। आपने मुझे बताना है आपका वीकेंड कैसा गुजरा, और बड़ी अच्छा इनपुट आपकी तरफ से आ रहा है। आप कोटेशंस हमें भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे थे, लेकिन बीच में पता नहीं क्या कंजेशन हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, वीडियोस अब आपकी हमारे पास नहीं आ रही हैं। इसके अलावा भी आप अपने इनपुट देते रहिए, किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, किसी खास टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। कल अखबार में मैंने बड़े टॉपिक्स देखे खवातीन के हवाले से भी, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती कि हमारे साथ हो रही हैं, और वो हमारे साथ हो रही होती हैं मेंटली या फिजिकल प्रेशर ऐसे होते हैं और हम समझते हैं कि जी पता नहीं तबीयत ख़राब है, क्या वजह है, और उसका असर हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा होता है, हमारी फैमिली पे भी पड़ रहा होता है, ओवरऑल पड़ रहा होता है। तो इस तरह के टॉपिक्स भी हम लेकर आएंगे, लेकिन कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि उस पर डेफिनेटली बात होनी चाहिए तो यू आर मोर देन वेलकम, आप बात कीजिए। एक अच्छी बात से हम आगाज़ करते हैं और उसके बाद अच्छे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, मैं सब में बताऊँगी, एक टॉपिक भी आपको दूंगी। मैं जल्दी जल्दी अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मैं एडमिट करती हूँ कि वो बोलते काफ़ी अच्छा हैं और फ्लॉलेस बोलते हैं और फ्लुएंटली बोलते हैं, तो उसके बाद शायद अब मुझे इतना बोलने का मौका ना मिले। तो मैं जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें आपसे इस वक्त शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आज जो हमारा कोट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो है द ट्रूथ, इट इज़ अबाउट द ट्रूथ, इट इज़ अ ब्यूटिफुल एंड टेरेबल थिंग एंड मस्ट देयरफॉर बी ट्रीटेड विद ग्रेट कॉशन। सच के बारे में कहा गया है कि ये खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये एक भयानक चीज़ भी हो सकती है या ये एक टेरेबल चीज़ भी हो सकती है। किस तरह? वो इस तरह के इसका ट्रीटमेंट जो है, जैसे कहते हैं हमेशा आपने सुना होगा कि सच कड़वा होता है या सच बहुत मुश्किल होता है कि आप उसे डाइजेस्ट करें, तो इसका ट्रीटमेंट एक बेहतर तरीके से होना चाहिए। अगर आप किसी को सच बताना चाहते हैं उसके बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में जो उससे रेलिवेंसी रखती हो, तो सच की ट्रीटमेंट जो है वो आपको सोच समझ के करनी पड़ती है। ये बात मुझे डॉक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बल्कि ब्लंट हो गए हैं कि वो ह्यूमन फीलिंग्स पे नहीं जाते हैं, बल्कि जो कहना है सच है, बस सच बता दिया हमने, ये बीमारी है, ये है, आपको तो कुछ भी मतलब एकदम बोल देते हैं ब्लंटली कि आपको तो ये बीमारी है, ख़त्म हो गई बात। ह्यूमन एस्पेक्ट को सामने रखते हुए, किसी की फीलिंग्स को सामने रखते हुए सच अगर बताना भी है, तो वो एक जुमला है ना बड़ा फेमस, जोर का झटका ज़रा धीरे से। तो सच बताइए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट आराम से कीजिए, वो टेरेबल भी हो सके, क्योंकि सच दो चीज़ें, टेरेबल भी है और ब्यूटीफुल भी है, तो ख्याल आपने इसका रखना है। इसके अलावा आज अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का तीसरा दिन है, आज उर्स का अख्तिताम हो रहा है, इसके हवाले से आप टीवी पर भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ खबरों में भी सुन रहे हैं। इसकी एक पर्टिकुलर, वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, कराची आइट्स के मुंह से भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि जी लोगों के मुख्तलिफ बिलीव्स हैं इससे कनेक्टेड, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। योर्स काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, बहुत पुराना ये मज़ार है, और जो लोग कराची में हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर आप कराची से बाहर रहते हैं और आपको नहीं पता कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो पिक्चर्स भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये समंदर के किनारे, सी व्यू जिसे हम कहते हैं, उसके किनारे पर है। पहले वहाँ पानी हुआ करता था, अब ये पानी पीछे हो गया है, यहाँ पर मज़ार है, और इर्द गिर्द जो पानी है वो सॉल्टी है, नमकीन है, लेकिन जो मज़ार के अंदर से पानी निकल रहा है वो मीठा पानी है, जो नॉर्मल पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी कहा जाता है, बिलीव्स इससे कनेक्टेड ये भी हैं कि जब ये पानी पिया जाता है तो बहुत इसमें शिफा है, लोग बीमारियों के लिए पीते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं और इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। बहरहाल एक टॉपिक भी मुझे आज आपको देना है, और इस टॉपिक के लिए बाकायदा हम आगाज़ करते हैं, आप क्या कहते हैं? ये
बात मैं कल सोच रही थी और फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपको देना चाहिए। हस्बैंड्स के लिए या जो हमारी मेल मेजॉरिटी है, हजरात जितने भी हैं हमारे घर में, ख़ास तौर पे उनके लिए है, लेकिन इनपुट मुझे सबकी तरफ से चाहिए। पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों, हम जब एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं या कहीं कहीं हमसे ये निगलेक्ट हो जाता है कि हमारे साथ में जो है उसकी अपनी कोई प्राइवेसी भी है। हम हर चीज़ में इंटरप्शंस करते हैं, हर चीज़ में दखलंदाजी करते हैं। वो आपके पड़ोसी होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं। तो मैंने घर वालों तक इसको रखा है, लिमिट कर दिया है। हस्बैंड्स क्या कभी ये सोचते हैं कि हमारी वाइफ की भी कोई ज़िंदगी है, मतलब ज़िंदगी बिल्कुल है और लेकिन उसको स्पेस देना है, टाइम देना है, या आप सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी दखलंदाजी है, जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। बच्चों के मामले में, बेगम के मामले में, माँ बाप के मामले में, बहन भाइयों के मामले में, आप क्या इंटरप्शन करते हैं या उनको स्पेस और टाइम उनको पूरा देते हैं कि जी सोच समझ लीजिए, अपनी मर्जी कीजिए, मेरा ये कहना है, बाकी आपकी मर्जी। कोई ऐसी इंटरप्शन जो आपकी ज़िंदगी में हुई हो, जो आपको बहुत मजाया लगी हो या आपको बहुत नागवार गुजरी हो, आज आपने वो बतानी है कि जी हमारी मुझे बच्चे का एडमिशन कराना था और उसमें हमारे पड़ोसी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया और हमें ला ला के दूसरे फॉर्म्स दिए, जिन स्कूल्स में हम इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पर भी उन्होंने उसके भी फॉर्म्स ला के दिए कि आप यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। तो कभी कभी होता है कि लोग आपका ख्याल कर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंटरप्शन ज़्यादा महसूस हो रही होती है और आपको लगता है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी हो रही है। मेरा ख्याल तो रखा जा रहा है लेकिन दखल अंदाजी ज़्यादा हो गई है। तो आपने ऐसा कोई भी अगर किस्सा है, वाकया है, वो हमसे शेयर करना है, आप क्या कहते हैं। मैं अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ आज के मेहमान से और मेरे ख्याल में मैं इनका नाम बताऊंगी तो काफ़ी चीज़ें आपको इनके बारे में पता लग जाएंगी, लेकिन इनके इंट्रो में मैंने बहुत छांट छांट के कुछ चीज़ें रखी हैं, वो भी इंट्रो कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा भी ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आज विद वाइफ आए हैं। आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं जिन फील्ड्स में ये जिन फील्ड्स के साथ ये काम कर रहे हैं, जिसमें ये कनेक्टेड हैं। उसके अलावा घरेलू ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई टिप आप चाहते हैं और इतना फ्लुएंटली ये कैसे बोलते हैं, इसका राज जानना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब एंड हिज वाइफ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? वेरी फाइन। आप तो वेरी फाइन है, आप कैसी हैं नौरीन? वेरी वेरी फाइन। यू आर वेरी 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 फाइन। और डॉक्टर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें लोगों को पता है लेकिन मैंने यहाँ पर लिख ली थी क्योंकि मुझे आपको सब कुछ बताना था और मैंने सोचा कि उसके बाद शायद हमारे व्यूवर्स के पास कुछ सवालात हों। अपनी ज़िंदगी को भी प्लान करते हुए इंसान सोचता है।